हाँ जी, ये ऊपर से आए स्पेशली मेरे लिए। मेरा गला ख़राब है, सॉरी, इग्नोर कीजिएगा। और इसको मैं लगी हूँ अभी खाने। फ्रेश फ्रेश जामुन है ये, देखिए मैं अभी खा के दिखाती हूँ। मीठा इशरत, मीठा, बड़ा ही मीठा है, बड़ा मज़ेदार है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी को अल्लाह का शुक्र है और दुआ करती हूँ कि आप सब मेरी को अल्लाह ताला के करम और फजल से। तो हम आए हुए हैं गांव, उधर आके हमने सबसे पहले जो मतलब काम किया है वो ये बाग में जाके जामुन खाने का किया है। अब यकीन जाने इतने मीठे और इतने टेस्टी और फ्रेश थे कि दरख्त से तोड़ के खाए हमें, बड़ा ही मज़ा आया। शहरों में जो लोग रहते हैं, हम जैसे हम भी मतलब शहर में रहते हैं, लेकिन हमें वो ये जो है ना स्प्रे के बिना है, ये जो जामुन है इनको, इनके ऊपर कोई केमिकल का स्प्रे नहीं है, ये सिर्फ फ्रेश और कुदरती तौर पर पके हुए जामुन हैं। लेकिन जो शहरों में बिकते हैं उन पर स्प्रे होती है, वो एक एक दो दिन में उनको पका देती है और कीड़ों से उन्हें महफूज करती है। तो लेकिन ये जो है, ये कीड़ों स्प्रे से, केमिकल से, हर तरह से पाक है और बड़े ही यम्मी, मीठे, टेस्टी और देखने में बड़े प्यारे लग रहे थे। तो ये जो मेरे खालू जान थे, जो थे, जो कि फोत हो गए हैं, अब तो उनको 4 साल हो गए हैं, 4 साल, हाँ उनको 4 साल हो गए हैं। ये उन्होंने अपने हाथ से पौधे लगाए थे, काफ़ी माशाल्लाह इनके पौधे हैं, 10 पौधे हैं, 11 पौधे हैं इनके माशाल्लाह। तो उन्होंने 11 पौधे लगाए थे, ये दूसरी दफ़ा इनको फल लगाए। और कहते हैं दरख्त लगाना चाहिए ताकि कोई बाद में मतलब उसकी छाँव में बैठे या उसका फल खाए तो वो सदका ही जारिया होता है। तो अल्लाह ताला मेरे खालू को जन्नत अल फरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन। और आप देखें इतना मज़ा आ रहा है, हवा चल रही थी, पानी चल रहा था पास से, हाय हाय, बड़ा मज़ा आ रहा था, बहुत प्यारा मतलब नज़ारा था। जामुन हमने लिए, उसको धोया और ये देखिए आपको हवा चल रही नज़र आ रही होगी। सॉरी, मैंने वॉइस ओवर किया है क्योंकि पहले वहाँ बहुत ज़्यादा शोर था, इस वजह से मैं नई वीडियो वॉइस के साथ बना सकी, बहुत शोर आ रहा था, इस वजह से मैंने वॉइस ओवर की है। दुआ कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।